हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ नवरात्र सीरीज़, और इसको मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये मेरा इस सीरीज़ का फर्स्ट लुक है, षष्ठी मेकअप लुक। तो आज मैं आपके साथ में इस लुक को शेयर कर रही हूँ और कैसे क्रिएट करा है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे टोनर अप्लाई कर लिया है, और उसके बाद ये जॉय का मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी का मेकअप एंड हाईलाइटर को अप्लाई किया है, मेकअप विद हाईलाइटर ऐसे करके कुछ नाम है इसका, मैं नाम भूल गई। तो ये इसको मैंने अप्लाई किया है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सारे प्रोडक्ट अंडर 500 रुपीज़ हैं, तो आप इजीली इनको परचेज़ कर सकते हो एंड यूज़ कर सकते हो। और फिर मैंने यहाँ मेबलिन का फाउंडेशन यूज़ करा है, और काफ़ी अच्छा शेड है। वैसे ये जो मेरा शेड है ये है सन बेज। अगर आप मेरे स्किन टोन के हैं तो आपको ये शेड आपके स्किन पे काफ़ी अच्छे से जाएगा। उसके बाद मैंने इसको ब्रश से ब्लेंड कर लिया है। इसको सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का ये बीबी लूज पाउडर, और इसका रिव्यू भी आपको मेरे चैनल पर मिलेगा, मतलब इस वीडियो के बाद, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये NYB का ब्लश, और ब्लश के लिए मतलब ये वाला शेड मैंने यूज़ किया है क्योंकि मेरी ड्रेस से मैच करता हुआ है पिंकिश। आईब्रोज़ के लिए मैं यहाँ पे ये मार्स कॉस्मेटिक का ब्राउन आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि लुक काफ़ी नेचुरल आता है, सो इसलिए मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और सेम हम दोनों आईब्रोज़ में फिलअप कर लेंगे, और इससे लुक नेचुरल आता है। वेल, मैंने यहाँ पे थ्रेडिंग्स अपनी करवाई नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी मतलब शेप आ नहीं रहा था। तो ये मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, और ये काफ़ी अफोर्डेबल है, 20-30 रुपीज़ का आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ डेजलर का ब्रॉन्ज़र यूज़ किया है। ये ब्रॉन्ज़र आपको 150 रुपीज़ तक का इजीली मिल जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। तो बस इसको मैंने यहाँ पे कॉन्टोर कर दिया है, और नोज़ को मैंने सेट कर दिया है ब्रॉन्ज़र के साथ में। अब मैं यहाँ पे ये स्विस ब्यूटी का मार्स का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ, और ये मेकअप फिक्सर बहुत अच्छा है एंड बहुत अफोर्डेबल है। आई थिंक ये 250 के अंदर मिल जाता है। फिर मैंने यहाँ पर ये आई शेडो पैलेट लिया है, और दो शेड यहाँ पे इसके लिए हैं। मैंने एक लाइट और डार्क वाले को ऊपर क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ, और उसके बाद लाइट वाले को लिड पे अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना था, बस इस तरह से हमें एक ब्रश के हेल्प से इसको लगा लेना दो शेड को, बहुत इजीली भी हो जाता है ये लुक। और उसके बाद मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का काजल यूज़ कर रही हूँ, इसका रिव्यू भी मैं आपके साथ में जल्दी शेयर करूँगी। और काफ़ी अच्छा काजल है, काफ़ी ब्लैक काजल है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो इसको मैं अपनी लाइनर की तरह मैंने इसको हल्का सा ड्रॉ किया, और ब्लैक आई शेडो के साथ में इसको थोड़ा सा स्मच कर दिया है, जिससे कि थोड़ा सा स्मच वाला जो लुक होता है वो आए। और षष्ठी मेकअप लुक में ये जो इजी पीजी सा मेकअप लुक है बहुत अच्छा लगता है। आप अगर क्रिएट करोगे और कहीं जाते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलने वाले हैं, तो डेफिनेटली इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मैंने यहाँ पे इसको लोअर लैश लाइन पे भी काजल अप्लाई कर लिया है, बिकॉज इससे आपकी आँखें जो है ना काफ़ी बोल्ड, काफ़ी बिग सी लगती हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह का लुक। तो इस तरह से मैंने काजल लगा लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे न्यूड कलर का लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। पहले मैंने ये डार्क कलर का ब्राउन न्यूड लिया है, वैसे ये वाली जो लिपस्टिक है ये थोड़ी सी ड्राई हो गई है, तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पर ये NYB की इसका शेड आई थिंक कॉफ़ी करके कुछ है उसको अप्लाई किया था, फिर ये शेड मेरा आया था। मस्कारा अप्लाई करना भूल गई थी, तो अभी मैं यहाँ पे स्टार स्ट्रक का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, और ये काफ़ी अच्छा मस्कारा है, आपकी आईलैशेस को काफ़ी वॉल्यूम देता है, तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया। एंड फाइनल लुक मेरे यहाँ पे रेडी है,
और कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही इजी सा सिंपल सा लुक मैंने आपके साथ में ये शेयर करा है, और इस सीरीज़ के और भी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगे, तो इस चैनल पे बने रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नए हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।